हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। मेरे चैनल कुकिंग टिप्स बाय निधि में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बनाएंगे टेस्टी हेल्दी वेज दलिया, जो सभी को बहुत पसंद आता है। दलिया वैसे तो हेल्दी होता ही है, वह इसमें सब सब्जियां मिलने पर और भी अधिक हेल्दी व टेस्टी बन जाता है। वेज दलिया को आप अपने बच्चों के टिफिन में भी रख सकते हैं, नाश्ते भी बना सकते हैं। इसे बनाना बहुत ही आसान है। दोस्तों, दलिया खाने के बहुत सारे फायदे होते हैं। दलिया में आयरन ज़्यादा मात्रा में होता है, हड्डियों को मजबूत करता है, पथरी की समस्या भी दूर होती है, ज्वाइंट पेन में भी फायदेमंद है। ये जल्दी डाइजेस्ट भी हो जाता है। तो चलिए बनाते हैं वेज दलिया। वेज दलिया बनाने के लिए हमने लिया हुआ है दलिया, प्याज, टमाटर, गाजर, शिमला मिर्च, मटर, मूंगफली, धनिया पत्ती। प्याज, टमाटर, गाजर, शिमला मिर्च को मैंने धो के काट लिया, मूंगफली को मैंने भूंज के पीस लिया है। इसमें लगने वाले मसाले हैं करी पत्ता, जीरा, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, हल्दी, धना, अमचूर पाउडर, सादा नमक, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, हींग, तेल। वेज दलिया बनाने के लिए सबसे पहले हम दलिया को भूंज लेते हैं। इसमें हम सबसे पहले डालेंगे तेल। हमारा तेल गर्म हो गया, इसमें हम डालेंगे दलिया। आप घी या तेल किसी में भून सकते हैं। यहाँ पे नमकीन दलिया बना रही हूँ, इसलिए इसे मैं तेल में ही भूंज रही हूँ। अभी हमारा दलिया बहुत अच्छे से सुनहरे रंग का भूंज गया है। जब तक हमारा दलिया ठंडा हो रहा है, तब तक हम एक बर्तन में पानी डाल के उबालेंगे। हमने एक बाउल दलिया लिया हुआ था, उसी बाउल से हम तीन बाउल इसमें पानी मिलाएंगे। पानी वो उबलने लगा, इसमें हम दलिया जो भूजे हुए थे वो डाल देंगे और इसको हम चला देंगे। यदि हमें ऐसा लग रहा है दलिया बनते समय यदि पानी कम हो गया है, तो इसमें हम और भी अधिक पानी मिला सकते हैं। इसे हम ढक के रख देंगे और बीच बीच में खोल के देखते रहेंगे। इसमें हम नमक मिलाएंगे, जिससे हमारा दलिया सॉफ्ट हो जाएगा, और फिर इसे चला देंगे एक बार। अब हमारा दलिया अच्छी तरह से बन गया है, इसे हम एक तरफ रख देंगे। वेज दलिया बनाने के लिए हम एक फ्राई पैन लेंगे, उसमें हम डालेंगे थोड़ा सा तेल। जब हमारा ये तेल थोड़ा गर्म हो जाएगा, तो हम इसमें मिलाएंगे अपने सभी मसाले, और हमें यह मीडियम टू हाई बीच में रखना है। अब हमारा ये तेल गर्म हो गया, इसमें मिलाएंगे करी पत्ते, इसमें मिलाएंगे लहसुन, जीरा, अदरक, हरी मिर्च, और फिर इन सबको मिला के अच्छे से इसको चला देंगे। अब इसमें मिलाएंगे प्याज, और प्याज को हमको सुनहरे रंग होने तक भूनना है। इसमें अब हम मिलाएंगे हल्दी, जिससे हल्दी अच्छे से पक जाएगी और जल्दी पक जाएगी। प्याज अब अच्छे से भुंज गई है। इसमें हम मिलाएंगे गाजर, और गाजर मिला के भी इसको हम एक बार चला देंगे अच्छे से चारों तरफ से मिलाते हुए। अब इसमें मिलाएंगे हम शिमला मिर्च, टमाटर, मटर, और फिर हम इस सबको अच्छे से चला देंगे। इसे हम 2 मिनट के लिए ढक के रख देंगे और बीच बीच में चलाते भी रहेंगे। अब हमारे 2 मिनट हो गए हैं और हमारी सभी सब्जियां सॉफ्ट हो गई हैं। कितना अच्छा इसका कलर दिख रहा है। अब हम इसमें मिलाएंगे नमक, अमचूर पाउडर, धना पाउडर और हींग। सब्जियों को हम अच्छे से मिलाएंगे मसाला डाल के। कितनी अच्छी सुगंध आ रही इन सब सब सब्जियों में से। हम इसे मिलाएंगे मूंगफली, जो हमने भूंज के दरदरा पीस लिया था, और इसको भी चारों तरफ से लेते हुए मिलाएंगे अच्छे से। अब हम इसमें मिलाएंगे दलिया,
दलिया हमारा अच्छा खिला खिला बना हुआ है। और इसको हम सब्जियों में अच्छे से मिला देंगे, चारों तरफ से मिलाते हुए। हमारा दलिया बहुत अच्छे से बन गया है। अभी अब हम इसमें मिलाएंगे गरम मसाला और लाल मिर्च पाउडर और फिर अच्छे से चलाएंगे। सभी सब्जियां दलिया में अच्छे से मिक्स हो गई हैं। इसमें अब हम इसमें मिलाएंगे धनिया पत्ती और धनिया पत्ती डाल के भी एक बार इसको अच्छे से चला देंगे। वेज दलिया बनके तैयार है। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, प्लीज इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। यदि आप मेरे चैनल में नए हैं इसे सब्सक्राइब करना मत भूलें, जिससे मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको ही मिले। थैंक यू।